ये लोग सच्चाई में न्याय नहीं कर रहे हम लोगों के साथ, ये लोग किसी का हक खाने का काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उन संस्थाओं में भी जो अभी तक हमारी पूंजी और हमारा जो धन गया है उनमें भी हमें अब अपना अधिकार चाहिए, उनमें भी अपना हिस्सा चाहिए। हम सब मिलकर इस देश की व्यवस्था में, इस देश की सत्ता में, इस देश के व्यापार में, इस देश के कारोबार में सबको बराबर का हक अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। बहन शशि जी की जो टीम है, मैं धन्यवाद करता हूं आप लगातार जो आप लोगों के प्रयास है इस आखिरी पायदान पर खड़े हुए समाज को एक दिल्ली की गद्दी के लिए सपना संजोने का काम आप लोग जो इस वर्ग को, उस समाज को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, मैं वास्तव में आपकी मेहनत का, आपकी लगातार कोशिश का धन्यवाद करता हूं। और आज जो संविधान 40 का जो कार्यक्रम लगातार पिछले 10-15 दिन से मैं अशोक जी और उनकी टीम के माध्यम से देख रहा हूं, साथियों बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, जो वर्ग, जो समाज अभी तक इस बारे में, सत्ता और शासन के बारे में सोचता भी नहीं था, उन लोगों को लगातार प्रयासों से आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देश के कई राज्यों में लगातार मैं देख रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों आज हमारे हाथ में संविधान जैसी ताकत जो बाबा साहब के लंबे प्रयासों से हमको मिले, साथियों सच्चाई में उन सबको ताकत देने के लिए हमें लगातार संघर्ष की जरूरत है। जब भी हम संघर्षरत अपने कार्यक्रम को नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो ताकतें हैं वही मनुवादी ताकतें, वही मनुस्मृति को लागू करने वाली ताकतें निश्चित तौर पर हमारे संविधान को कमजोर करने का लगातार कोशिश कर रही हैं। साथियों इसके लिए बाबा साहब के दिए हुए मूल मंत्र को हमें लगातार इस पे कार्यक्रम चलाते रहने पड़ेंगे और अपने उस वर्ग को पूरी तरह से जिंदा रखना पड़ेगा इस संघर्ष और इस लड़ाई के लिए जो लोग लंबे समय से शोषित और वंचन का शिकार होते रहे हैं। साथियों संविधान की ताकत वो ताकत है, हमारे हाथ में सबसे बड़ी जो ताकत दी है वो संविधान ने वोट की ताकत दी है। साथियों वोट का दो रूप होते हैं, अगर हम लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं, सीधा इस्तेमाल करते हैं, उस हथियार को सीधा चलाते हैं तो हमको आजादी देता है, अगर उसी हथियार को हम उल्टा चलाएंगे तो हमें गुलाम बनाता है। सरदारों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, देखिए हमें इस हथियार का इस्तेमाल सही से सीखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इन आंदोलन का जितनी भी हमारी तैयारी है, क्योंकि संविधान का नुकसान और संविधान को बचाने की लड़ाई केवल संसद और विधानसभाओं में जाकर, जहां से ये चेंज होते हैं, जहां से बदलाव होते हैं, हमारे प्रयास वहां पर अपने लोगों को बिठाने के होने चाहिए। हम लोग लगातार प्रयास करके गांव-गांव, शहर-शहर, नौजवान और बच्चों-बच्चों तक इस संविधान 40 की ताकत को अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, नौजवान साथियों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला समय 10-12-15 साल के बाद इस शोषित वंचित समाज का इस देश के ऊपर बहुत बड़ा शासन और सत्ता होगी, जो कि एक न्यायकारी शासन होगा। मैं कह सकता हूं ये लोग सच्चाई में न्याय नहीं कर रहे हम लोगों के साथ, ये लोग किसी का हक खाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपने हक को प्राप्त करना, अपने हक को देना है और तमाम उस खाई हुई संपत्ति को वापस करना है जिसके बारे में भाई अशोक जी ने लिखा है कि हमारे उस वर्ग को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उन संस्थाओं में भी जो अभी तक हमारी पूंजी और हमारा जो धन गया है उनमें भी हमें अब अपना अधिकार चाहिए, उनमें भी अपना हिस्सा चाहिए। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सड़कों से और संसद में पहुंचाने के लिए काम करेंगे। साथियों
मैं भारतीय वीर दल की तरफ से और तमाम देश भर में अपने संगठन के साथियों की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ, ये वास्तव में आप वाल्मीकि समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस देश में अभी तक मैं कह सकता हूँ जीरो है। आप लोगों के, भाई अशोक जी के और इन बहनों के प्रयास से दिल्ली और दिल्ली के आसपास बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना चुके हैं। आप लोग सच्चाई में मेहनत, आपने आज देश के कोने कोने से जो अलग अलग संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, ये बुलाकर दिखा दिया है कि निश्चित तौर पर ये ईमानदारी की लड़ाई आप लोगों को सफल और सफलता की तरफ ले जाने का काम करेंगे। मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूँ, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जिस मेहनत और लगन और ईमानदारी और आपके साथ में खड़ा होकर इस लड़ाई में साथ देने का काम अभी तक किया है अशोक जी, आगे भी हम भविष्य में इस मोमेंट में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हम सब मिलकर इस देश की व्यवस्था में, इस देश की सत्ता में, इस देश के व्यापार में, इस देश के कारोबार में सबको बराबर का हक अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।